फिरोजपुर जिले में जीरा के नेड़े मंसूरपुर फैक्ट्री लगी हुई है मेलब्रो इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। यदी जड़ी पहला सब तो पहला रजिस्ट्रेशन हुई है। ये फैक्ट्री है जो डिस्टिलरी शराब बनाने वाले कारखाने के तौर पर हुई सी, पर पिछों यह इंडस्ट्रियल कैमिकल बनाने शुरू करते। इंडस्ट्रियल कैमिकल यदि साइट पर यदि वैबसाइट पर सारे मिलते हैं। इंडस्ट्रियल कैमिकल ये कई किस्म के बना रहे हैं, तो सब तो ज़्यादा जोड़ा इंडस्ट्रियल कैमिकल का जोड़ा वेस्ट है, पानी है जोड़ा वेस्ट, वह यह नाल ही उत्थे पानी सब सॉयल जमीन के बिच ही ना बोर करके उत्थे अंदर पा रहे हैं। उदे नाल जिहड़े सारे पिंड है जीरा दे नेड़े 5-7 पिंड उन्हां दे विच पशुआं नूं बीमारियां लग गईआं, बंदिआं नूं बीमारियां कई लग गईआं। ये 2013 तो शुरू है ते इहदे बारे बहुत ज़्यादा लोगों ने रौला पाया, प्रोटेस्ट किए और सरकार नूं रिप्रजेंटेशन भेजियां, कोई परवाह नहीं हुई। हुण 55 दिन हो गए 55 डेज उत्थों दे लोकल लोग ये विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे, धरने कर रहे, मुजहरे कर रहे हैं। किसान जथेबंदियों के सारे लीडर, सारिया जिन्हिया किसान जथेबंदियां साड़िया वक्रिया वक्रिया है, उन्होंने वड्डे लीडर उत्थे मौके पर जा रहे हैं। ये बावजूद भी सरकार ने हजे तक कोई ये वल कोई किसी किस्म का ध्यान नहीं दिता, कोई गलबात नहीं शुरू की, किसी को इस मसले पर बुलाया भी नहीं सरकार ने अजे तक। इस करके वो बहुत वड्डा ओएसिस कंपनियों का ग्रुप है जिहदी यह कैमिकल फैक्टरी है। बहाना उपर तो इन्होंने नाम जिहड़ा डिस्टिलरी का शराब दी फैक्टरी का लाया होया, तो बड़े वड्डे वड्डे वादे किए भी असी इदू पिछों जिहड़ा इहदे चों एथनोल आएगी, एथनोल असी पेट्रोल च वरत्या करांगे, यह वो सारे जिहड़े वादे आ सब झूठे है। तो फिर CSR ते असी इन्ने पैसे लोगों को इत्थे 10 करोड़ रुपए के नेड़ ते लोगों को देवांगे, ये सारा कुछ झूठा निकलिया। ये बावजूद भी उल्टा ये होया भी पानी ने थले होर तो कोई उत्थे नदी नाला ही है नहीं जिदे विच तुसी पा सकते हो, उत्थे ही पानी पाई जाते हैं बोर कर करके उस एरिए जी। उदे नाल वो सारा लोगों के पशुओं का चारे का दाने का सारा खराब हो गया। इस करके असी केंद्रीय सिंह सभा वालों इस दे प्रोटेस्ट के तौर पर सानू जिहड़ियां रिपोर्टां इत्थे मिलियां उहदे मुताबक असी इहदा विरोध करते हैं, तो सरकार नू तो मंग भी करते हैं भी तुरंत इमीजिएटली इस नू इहनू बंद किया जाए। उल्टा की होया भी सरकार ने हजे तक गलबात लई भी नहीं बंदे बुलाए किसी भी लैवल पर, इन्ने सारा धरनिया के बावजूद भी। तो इस करके सरकार तुरंत बुलावे, जे मेरे साडे सिंह सभा के नाल सारे बुद्धिजीवी सिख चिंतक जुड़े हुए आ साडे नाल, वो सारे इस गल उत्ते जिन्हें भी पंजाब के चिंतक इस गल नाल जुड़े हुए आ, तो उन्होंने वो सारे असी एक उन्हां जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे उत्थे धरने ते बैठे उन्हां नाल साडी हमदर्दी है, उन्हां दी सपोर्ट विच इह आवाज़ असी खड़ी कर रहे हैं। तो सरकार नूं चाहीदा भी तुरंत इहदे वल ध्यान देवे, ते नहीं तां फिर सानू अगले लोग जिहड़े उस होर लैवल ते कोई तिखा स्टैप चुकना पवेगा। सरकार नूं असी ज़्यादा तौर पर इस गल का दोष भी लाने सरकार ते भी जिस तरीके नाल उन्होंने बेरुखी अपनाई है सारे धरने मुजहरिया प्रति, इं लगता भी वो फैक्ट्री दे जां वो मालकां दे जिहड़े वड्डा वड्डा कारो अदारा है बिजनेस अदारा उहदे प्रेशर थले है, उहदी इनडायरैक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं हुण इहदे बारे एनवायरमेंट बारे जो पंजाब दे विच को हो रहा मत्तेवाड़ा का जिहड़ा पहला सी सारा कुछ वो इदू बुरा हाल सी, लोगों के प्रेशर थले बिल्कुल उसनों वापस किया सारा, उत्थे प्रोजेक्ट लियाना सी जिहड़ा सतलुज के रख दे रिजर्व एरिया दे विच, वो वापस कर लिया। हुण इहनूं भी तुरंत बंद करना चाहिए। हुण मैं डॉक्टर स्वराज सिंह होरां नूं ये सब जानते हैं, डॉक्टर स्वराज होरां दा एक नाम है अपने आप से, एक बड़े चिंतक है सिख चिंतक के नाल नाल एक्टिविस्ट ही है समाजिक के लोगों के कामों के, इस करके मैं इन्हों कहूँ डॉक्टर साहब हुण इहदे उत्ते गल करनगे। डॉक्टर स्वराज सिंह मेरा जिहड़ा मुख सरोकार दा मुख चिंता हैगी वो पंजाब दे एनवायरमेंट दी, लगातार हरे इनकलाब तो बाद जिहड़ा पंजाब दा एनवायरमेंट जिहड़ा हैगा वो पलीत हो जा रहा है, कि असी जिहड़ा बहुत वड्डी मात्रा जिहड़ा हैगा कैमिकल फर्टिलाइजर जिहड़े आ रसायनिक खादा और जिहड़े कीड़े मार दवाइयां दी जिहड़ी बहुत वरतों कीती है,
और वो साडा बहुत ज़्यादा जी एनवायरमेंट पलीत होया और बहुत लोगों बीमारियां लगिया खास करके मालवा बैल्ट दे विच कैंसर जरा बहुत वध्या कि एक जी गड्डी जी है बीकान मतलब बठिंडे तो बीकानेर जाती है तो वो इन्ने मरीज जोड़े है कैंसर के होंगे वह ना ही कैंसर ट्रेन रख दिता गया तो जाहिर है कि ये जी बड़ी वड्डी चिंता है। दूसरी जी गल है कि एक जरा पंजाब का जरा ग्राउंड वाटर है पानी वो जी समस्या बहुत सानू सारे पता है कि ग्राउंड वाटर जोड़ा है वह लगातार घटे जा रहा पद्धर जोड़ा हर साल तकरीबन 10 फुट जोड़ा पानी जोड़ा है साड़ी अपनी जमीन पर मैं मतलब 16 फुट तो पानी देखे लेकिन हूँ जोड़ा असं एक थान बोर कराया साढ़ा 400 फुट पर भी पानी नहीं आया फिर दूजी थान पर कराया 250 फुट पर पानी आया तो तुसी देख लो भी किस तरह कि ग्राउंड वाटर साढ़ा बहुत कीमती है और कई अनुमान लाए जा रहे हैं कि 17 साल के अंदर जोड़ा पंजाब का ग्राउंड वाटर बिल्कुल जोड़ा खत्म हो सकता है और पंजाब पूरी तरह बंजर हो सकता तो ये जे दो चीज़ा ने एक तो जोड़ा है कि जे किसी तरह भी जोड़ा पहला ही जोड़ा साडा रसायनिक खादा और कीड़े मार दवाइया ने जोड़ा बुरी तरह पलीत किया होया एनवायरमेंट तो किसी होर जी असं होर ज़्यादा वो पलीती वधावे तो वो होर भी ज़्यादा लोगों की सेहत पर जोड़े है दुरप्रभाव ज माड़े प्रभाव पैणगे। दूजी गल कि ये भी मसला है कि असं जो अपने ग्राउंड वाटर जो खिलवाड़ कर रहे हैं किसी तरह की तो वह भी साढ़े लिए बहुत खतरनाक है पंजाब लिए क्योंकि जिमें पहला तो दसिया कि ग्राउंड वाटर की जी समस्या बहुत वड्डी समस्या हैगी है पंजाब दे विच तो दोनों पक्षों तो सानू इस गल की बड़ी चिंता है कि पंजाब का जो एनवायरमेंट है उसनों होर पलीत होण तो बचाया जाए और पंजाब का जो ग्राउंड वाटर है उसकी पूरी तरह जी संभाल जी की जाए ये दो कारण करके जोड़ा है असं मतलब चाहते हैं कि लोग भी ये बारे जो अवेयर होन और सरकार भी इस इन गलों ध्यान दे कि ये जड़े बहुत ही मतलब पंजाब लिए जरूरी मसला है जो बहुत जरूरी मसले कह लो जो मसला है कि एनवायरमेंट का ग्राउंड वाटर का भावें कि दोनों ही वो घेरे च आ जाते हैं एनवायरमेंट के ग्राउंड वाटर भी तो ये दोनों पक् इस करके जरा साड़ी चिंता इस पक्षों है। हाँ जी साढ़े केंद्रीय सिंह सभा के ट्रेजरर है सरदार गुरप्रीत सिंह जी ये भी ये बारे गल करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डॉक्टर सवराज सिंह ने ते मेरे वीर सर जसपाल सिंह होरां ने ते थानू दस ही दिता इस पर्टिकुलर जिहड़ी फैक्टरी है ये बारे जिहड़ी मंसूरवाल विच है पर मुख दी गल है कि इस इदों ना इस चीज़ नू जिहड़ी गल आपां इन लार्जर परस्पैक्टिव वेखीए तो मैनू पता है कि मार्च के महीने च एक ट्रिब्यून का एक एडिटोरियल आया सी टॉक्सिसिटी ऑफ वाटर इन द मालवा जिहड़ी मालवे की गल इन्होंने की है जिदे विच सिटा यही सीगा कि भी पानी इन्ना प्रदूषण हो गया उत्थे कि भी लोग बीमार पै रहे हैं तो पशु तो बीमार हो रहे लोग बीमार पै रहे हैं जड़ा अपने असैम्बली इलैक्शन तो पहला जड़ा NDTV वाला एक बंदा फिर रहा सीगा पंजाब के पिंडां दे विच उन्हें जाके देखा तो लोगों ने कहा कि जी साढ़े सानू पता है कि भी साड़ी सारी सारिया बीमारियां जिहड़ियां ने वह सिर्फ पानी करके हैगियां ने तो इहो जिहा फैक्टरियां जिहड़े कि अनट्रीटेड वाटर ठीक है तुसीं पानी नू मुड़ तुसीं धरती जे देना भी है तो सारे पासे सिस्टम बने हुए ने कि भी तुसीं पानी नू ट्रीट करो तुसीं उस फिर तुसीं उन्नू वापस सब सॉइल दे विच दिओ बट तुसीं टॉक्सिक वाटर नू अगर तुसीं जिद्दां तुसीं अपने इत्थों कढ के तुसीं फिर मुड़ धरती दोगे तो उन्हें बीमारी ही फैलाउणी है। सो यह मेरा हिसाब नाल यह बहुत खुशी है कि जिहड़े उस इलाके दे बंदे ने वह कट्ठे हुए ने क्योंकि जे पंजाब दा अज कोई हल है तो वह ताही होगा जे बंदे जागणगे। इस तो पहला मेरे ख्याल बंदे सुते पए सीगे असी तो केंद्रीय सिंह सभा तो असी यह भी मंग करते हाँ तो उम्मीद करते हाँ कि जिहड़े ग्राम सभा वाली जिहड़ी प्रथा सीगी उन्नू आपां उजागर करिए ताकि हर एक पिंड दे विच समुच्चा पिंड जागे कि भी उन्होंने पिंड नू की चाहिए एंड उन्नू अगे वधाउंदिया होया इहो जी थां दे उत्ते अगर कुछ उस इलाके दे पिंड जिहड़े कट्ठे हुए ने यह बड़ी वधिया गल है क्योंकि यही चीज़ां जिहड़ियां ने
सरकार नू दसन वालियां होंदिया ने। मैं तो हैरानगी है कि सरकार इस चीज़ के उत्ते अज तक सुती क्यों पई है, क्योंकि हैल्थ जड़ा हैगा तुसी अपने यू आर बेंट टू लुक आफ्टर हैल्थ एजुकेशन गल्ला ते तुसी बढ़िया करते हो ते हैल्थ उत्ते तुसी अज तक तुसी सुते पे हो। सो तुहानू तुरंत ही इन्हां नू बुला के जिहड़े भी इहदे विच खामियां ने उन्हां नू दूर करो। इस तो बाद कोई भी इहो जी फैक्ट्री ना लगे, कोई भी इहो जिहा काम ना होवे जिहदे नाल पंजाब दा जिहड़ा वातावरण है वह खराब होवे, भावें वह हवा का वातावरण है भावें पानी का वातावरण है, इनू संभालना सरकार की अहम जिम्मेवारी होंदी है। तो असी उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस चीज़ नू जिन्नी गंभीर है चीज़ है उसी गंभीरता नाल इनू लेगी ते इहदा हल इमीजिएटली कढेगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। एडवोकेट SS वालिया जी गल करनगे, एक पब्लिक एक्टिविस्ट है, खास करके जिहड़ा RTI दे उत्ते तां इहनां दा बहुत काफ़ी काम है, ते सोशल एक्टिविस्ट है। एक सब तो वड्डी गल है जो चिंता का विषय है, ये विषय जिथे साडे एनवायरमेंट नाल जुड़िया, साडे पंजाब दे पानिया दे नाल जुड़िया है, ते साडे पंजाब दे लोकां दी सेहत नाल जुड़िया है, ते उत्थे ही सरकार दी अणगहली ते सरकार दी जिहड़ी अखां बंद करके बैठे रहण दी नीति है वह भी उजागर करदी है। सरकार लोकां दी जिंदगियां लोकां दी सेहत सहूलतां वास्ते एक ड्रामा तो करती है कि देखो जी असी जिहड़े आम आदमी पार्टी क्लीनिक खोलते, पर जो हालात सरकार ने जीरे च बनाते, लोग उत्थे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी जिंदगी और मौत दे नाल जुड़ा है जिहड़ा शरीरिक हैल्थ का मुद्दा है उहदे नाल लड़ रहे हैं, सरकार नूं दस रहे हैं कि असी किवें इफेक्टिड है, किवें साडा पानी, असी बीमारियां नाल जूझ रहे हैं, साडे पशु साडे डंगर जिहड़े बीमारियां नाल जूझ रहे हैं, पर सरकार वास्ते लोगों की सेहत और लोगों का पानी जरूरी नहीं है। सरकार वास्ते जरूरी है वो शराब माफिया जिहड़ा उत्थे बैठा है और सरकार को धमकियां भी दिंदा, सरकार को फंड भी दिंदा भी ताकि सरकार जाके गुजरात या कितने होर इंडिया नंबर वन के ड्रामे करती है इलैक्शन लड़न वास्ते, पैसा इकट्ठा करने वास्ते, उन्हें भी उस माफिया की सपोर्ट आके सरकार जी खड़ी हो जाती है। क्यों बई जब तक ये कहते थे कि असी धरने नहीं लगन देवे, असी लोगों के हल की गल करांगे, असी लोगों की गल करांगे, अज जब लोग खुद अपनी गल सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, खुद अपनी गल सरकार तक रख रहे हैं कि असी मर रहे हैं, साडा पानी गंदला हो रहा है, साडे पानी साडे पशु जिहड़े हैं वह बीमारी नाल ग्रस्त हो रहे हैं, असी पानी पीवेंगे कित्थों। पंजाब का एक पिंड रामगढ़ पिंड मेरे ख्याल है वह अबोहर लागे बठिंडे वाले पासे 12,000 रुपये का पानी रोज़ लेके पीते हैं। पंजाब से एग्जाम्पल आ चुकी है कि साडे पिंडां दा पानी खत्म होने लग गया तो सरकार फिर सुती पई है। क्यों बई कि यह उही लीकर माफिया है जिहड़ा कि दिल्ली च एक्साइज पॉलिसी ED ते CBI दी रेडा उन्हां ते होईयां, कि यही लीकर माफिया के पैसे नाल लोगों की सेहत का खिलवाड़ सरकार करेगी। सो मेरी यही पंजाब के लोगों को बेनती है, मैं शलाघा भी करदा सिंह सभा जो ऑर्गनाइजेशन है इन्हां दी, कि इन्होंने इस मुद्दे से गंभीर मुद्दे से अपनी गल जी है लोगों तक पहुँचाई, तो लोगों का हाथ फड़िया, लोगों की बांह फड़ी, तो असी सारे समूह तरीके उस जीरे च लगे हुए धरने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। पंजाब के पानिया की लड़ाई लड़न वास्ते असी डट के खड़े हैं, पंजाब के लोगों की लड़ाई लड़न वास्ते डट के खड़े हैं, और उस शराब माफिया जिहदा साथ सरकार दे रही है तो असी डट के शराब माफिया की सरकार का विरोध भी करते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी फतेह जी। मेरे सहयोगियों ने सब तो पहला मसले दे सारा दस ही दिता, पर मैं थोड़ा जहा वाधा करना चाहना भी याद होगा साढ़े पत्रकार भरा बैठे ने कि पिछले साल हुशियारपुर को राणा शुगर मिल तो जिहड़ा शराब फैक्ट्री सी उहदा जिहड़ा लाहण रलिया पानी दरिया ब्यास दे विच रलिया सीगा, ते उहदे नाल करोड़ां मस्सियां समेत किन्ने जीव जंतुआं दा अरबां लई नुकसान होया, ते 4-5 दिन लगातार जिहड़ा ओह पानी पल्यूट पलीत होया वा, प्रदूषित होया वा पानी, लाहण रंगा लाल रंगा पानी
लगातार वो जोड़गा नहरा बगदा रहा जो हरी के हेडवर्कस तो निकलदियां ने राजस्थान तक गया उदों सारे पंजाब हाहाकार मची एक शराब फैक्टरी जी अज कि पंजाब के पाणियों का नुकसान करके कि उन्हें करोड़ों अरबा जीव जंतु मार कत्ते आ तो अजे तक नहीं किसी को पता भी सरकार ने वो दोषियों विरुद्ध की कार्रवाई की वो शराब फैक्टरी सील की या नहीं की वो लोग बड़े मगरमस ने जेडे की करते हैं भी इन सरकारों को पैसे दे के फंडिंग करके वो सारे आपके केस रफा दफा कर लेंगे ने तो हूँ जोड़ा जीरे तहसील के पिंड दे लगातार दो तीन महीने तो लोगों वालों धरना लगाया गया तो सरकार वालों लगातार जी धरना कार्रवाई अणदेखी की जा रही है वो तो स्पष्ट गल आ भी सरकार की जी है वो मिली भुगत चल रही है जोड़े सरमाएदार बंद फैक्ट्री मालिक जहाँ कुछ चला रहे हैं तो जो पंजाब के बच्चे धड़ाधड़ कैमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां लग रही ने पंजाब के वातावरण को पलीत कर रही ने पंजाब के पानी को पलीत कर रही ने पंजाब का पानी अपन पहले ही पता भी बहुत खतरनाक पद्धर तक हेठा जा चुका सो इतने सारे समूह जोड़े पंजाब के लोग आ तो उन्होंने साड़ी बेनती है केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा वालों बेनती है होर संस्थावान वालों बेनती है कि जोड़े बुद्धिजीवी वीर आ वो चाहे लेखक आ साहित्यकार ने किसी भी वर्ग के है उन्होंने सारों कट्ठे होकर कोई वड्डी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन करनी चाहिए है तो जिते वह थोड़ी जी गिणती के लोग कुछ पिंडा के लोग धरना लाई बैठे आ तो साढ़े बुद्धिजीवी वीर का फर्ज बनता भी आप जाके उ कोई वड्डी शमूलीयत करके पंजाब के बहुत सारिया लेखक सभावान बनिया हुई ने साहित्यक फ्रंट बने हुए ने सभ्याचारक संस्थावान बनिया हुई ने तो ये अभी जोड़े साढ़े स्टूडेंट बच्चे आ यूनिवर्सिटियां कॉलेजों वाले वो क्योंकि चेतन होंगे ने उन्होंने सारे मसलों का पता उन्होंने बेनती करते भी जिन्हें भी उनके जथेबंदियां ने जो उनके संस्थावान ने वो किसी दिन कोई साझा प्रोग्राम लीकीए तो उत्थे पंजाब के लोगों का वड्डा कट करना चाहिए ता कि जो उत्थे खिलवाड़ किया जा रहा पिछले दिन भी वीडियो पईआं ते किवें जी उत्थे डस्ट जां धूड़ मिट्टी खंडाई जाती आ वो जो थोड़ी जी हवा चलती आ तो उड उड के लोगों के घरों पैंदी आ तो जिवें नेरी वगदी हुंदी आ हर जेठ दे महीने उवें जिवें माहौल बन जांदा अक्सर तो पंजाब लई बहुत वड्डी खतरे की घंटी बनया हुआ सारा माहौल पानी उसका पीण योग नहीं रहा बीमारियां लगातार फैल रही ने यह ना देखो भी कल जीरा तहसील के इको पिंड की कहानी आ जे लोगों ने अज इन्हें जोड़े नत्थ ना पाई उन्होंने सारे पंजाब को पलीत करना पंजाब की जमीन अक्वायर की जा रही है यह जहाँ विदेशी जिहड़ियां बहु कौमी कंपनियां फैक्ट्रियां लाने लई पंजाब धड़ा धड़ा रही ने जिवें आप कह सकते हैं जिवें पुराने वेले च गरजा होंदियां सीगियां वो किसी मरदार को चूंटन लिए आ रहे थे पंजाब को चूंटन लिए लगातार आ रही ने सो इतने बड़ा चेतन होने की लड़ आ तो सारे संघर्ष को बड़ा जथेबंद करने की लड़ आ तो सारे वर्गों सहयोग देने की लड़ आ तो सारे असं बेनती करते हैं कि हर वर्ग में इतने सहयोग देना चाहिए तो आओ आप लोगों खड़ गए पंजाब के वातावरण पंजाब के पानी तो पंजाब के नसलों को बचाने का उपराला करिए वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला मेरे वीर ने सारी समस्या बारे दस दिता अपने विचार साझे किए है तो मैं ये ध्यान च लियाना चाहना कि जिस तरह जीरे दे विच जो कुछ हो रहा आ ये वर्तारा सारे पंजाब नू अपना शिकार बना रहा है। हुण सरकार की अगली नीति है जदों पंजाब दे जागृत लोगों ने मतेवाड़े विच अपना इकट्ठ किया प्रदर्शन किया उस तो बाद सरकार पिछे हटी लेकिन राजपुरे के नेड़े हुण हज़ार जिहड़ा एकड़ दे विच दोबारा वो जिहड़ियां इंडस्ट्रियां उन्हां नू लैके आ रहे हैं तो हुण जिहड़ी पंजाब दे विच इंडस्ट्री आ रही है वह सानूं रुजगार नहीं दे सकती वो सारी जिहड़ी इंडस्ट्री है यही अलामत जिहड़ियां सानूं पहलां दे रहे हैं उधर हैगियां पंजाब दे विच पहली गल तां वड्डी कोई इंडस्ट्री है नहीं जिहड़ी रुजगार दिंदी होवे सब तो वध ये जिहड़े सानूं बठिंडे वाली जिहड़ी है रिफाइनरी उहदे विच कह रहे सी उहदे विच भी जो पंजाब नूं रुजगार जिहड़ा दित्ता है उहदा कोई वाइट पेपर सामने आना चाहिए पंजाब विच जिहड़े नीति है सरकार दी ये सारे लोग जिहड़े सरकार दे विच ने पहलां लोकां दे नाल धरने मारदे रहे आ इस इशू दे उत्ते भावें जीरे की गल होवे भावें मातेवाड़े की गल होवे जां होर सारे गल होण लेकिन हुण सरकार उही कर रही है उस माफिया जिहड़ा हैगा जिहड़ा मल्होत्रा वो सारा ग्रुप है जिहदे सारा वड्डा कारोबार शराब दा आ और पंजाब दे विच हुण सरकार ने भी धार लिया कि पंजाब दे विच असीं जिहड़े कमाई करनी है वह नशे तो ही करनी है ये शराब तो ही करनी है तो ये जी अगे पंजाब दे विच जो अलामत होर जन्म लै रही ने सारे समाज में
खास करके किसान जथेबंदियां बहुत उत्थे जा चुकिया ने, लेकिन एक वड्डा जिहड़ा इकट्ठ है भावें को वड्डे मार्च दे विच दे रूप विच होवे, उत्थे जा के पंजाबियों नूं जिहड़ा अपना जिहड़ा प्रदर्शन करना चाहिए सरकार दे इस नीति दे खिलाफ, क्योंकि सरकार चाहुंदी अज सरकार चाहुंदी है कि मीडिया नूं कंट्रोल करके होर जिहड़े कंट्रोल करके ये जिहड़े लोगों की आवाज़ है इहनूं दबाया जा सकता है, नहीं तो 55 दिनों तो बैठे हुए लोकतंत्र के इस जिहड़े सिस्टम दे विच इन्ने पंचायत बैठिया होण ते उहदी कोई गल ही कोई मीडिया दे विच खबर ही ना लगे, सरकार ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, 55 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਜ਼ੀਰਾ ਇੱਕ ਬਿੰਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੇਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਖੜੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਡੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ DC ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਏ ਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਮਰੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਰਸਾਇਣ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ
अक्सर बरसातों च खैर इनवायरमेंट का बहुत अच्छी तरह डॉक्टर साहब जानते हैं कि जो बरसातों होंगे है कि डीप होल्स करके एक डक्ट जे बना के पानी स्टोरेज करके ताकि ग्राउंड वाटर जिहड़ा अज रसायन उहदे नाल कैमिकल नाल भर चुकया है तो दूजा पानी ताकि होर उहनूं भी ग्राउंड वाटर रीचार्ज उस तरीके कराया जाए ताकि उहदी उह जिहड़ी जिहड़ी सेफ्टी है वह घटे थोड़ी जी घट के वह पानी एक वधिया लैवल ते आवे। जिहड़े चोए साडा पहला सिस्टम सीगा कि नहरां दे नाल चोए हुंदे सी चोयां दे नाल खाड़ां हुंदियां सीगियां खेतां तक पानी जिवें कहिंदा उह आम आदमी पार्टी का हरियाणे वाला कि हरियाणे के डौल तक पानी जाएगा तो पंजाब के डौल तक पानी कद पहुँचाएंगे जे पंजाब के डौल तक पानी जाऊगा तो फिर ये जो वाटर रीचार्ज सिस्टम है ये भी वधिया क्रिएट होया क्रिएट होकर उत्थे भी जो जो सा ग्राउंड वाटर खराब हो रहा है वह भी दोबारा वधिया तरीके रीएक्टिवेट होएगा जे वाटर रीचार्ज होएगा। पर वाटर रीचार्जिंग सिस्टम का कोई भी प्लान सरकार को नहीं है। हाँ शराब माफिया किमें रीचार्ज रखना वह पैसा ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।